पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। तब हमारे शास्त्रकार कहते हैं कृष्ण ये गिरिराज पूजा उन्होंने क्यों करवाई, इसका पीछे क्या रहस्य है। तो उसको पीछे चार ही रहस्य बताया। पहला कारण बताया, अगर झोली फैलाना है ना श्री गिरिराज गोवर्धन के पास में ही झोली फैलाओ, वही तुम्हारी सारे झोली को ही भर देगा। क्योंकि जगत में जितने देवा देवी हैं उनको देने का एक लिमिटेड है, वो सब नहीं दे सकते। इसलिए श्री खटवांग महाराज ने 33 करोड़ देवता को उन्होंने संतुष्ट कर दिए। सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले भैया वर मांगो। तो उन्होंने बोले मेरे परमायु देखो कितना समय जिंदा रहूंगा, बोले कुल 48 महीने, उसको बाद में तेरी मृत्यु है। बोले हमें संसार से मुक्ति दे सकते हो, बोले नहीं, मुक्ति तो केवल मुकुंद वाक्य विहारी दे सकता है। इसलिए उनका नाम मुकुंद, मतलब जो मुक्ति जो प्रदान करते हैं। इसलिए भले झोली फैलाओ ना श्री गिरिराज गोवर्धन श्री बांके बिहारी जी को चरण में फैलाओ, वो सारे तुम्हारी झोली को वही भर देगा। इसलिए देखो दूसरे देवा देवी भक्ति और कृष्ण भक्ति में क्या फर्क है। ब्रजवासी पूजा करते थे हर साल, लेकिन जब एक साल उन्होंने पूजा बंद करवा दिया, गिरिराज ने पूरा जी जान लगा दिया ब्रज को सत्यानाश करने के लिए। बड़े बड़े ओले गिराने लग गए, वज्रपात शिला वृष्टि आंधी तूफान आने लग गए। कहते अगर दूसरे देवा देवी को पूजा करो अगर किसी कारण से बीच बंद कर देगा ना फिर देखना क्या करते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पिता माता है। जब इच्छा उनकी भक्ति करो, करो नहीं करो वो कुछ बोलने वाले नहीं। लेकिन हमारी कृष्ण कुछ बोलने वाले नहीं, लेकिन जो दूसरे देवा देवी है ये हमें छोड़ने वाले नहीं। इसलिए पहला कारण भगवान ने सिखा दिया ये गिरिराज साक्षात ब्रज के ये प्रकट देवता है। हाँ ये गिरिराज साक्षात प्रकट देवता, ये सब कुछ हमें देने वाले हैं। कि बच्चा किसका है, अपने बच्चों को पास में नहीं रखते। इसलिए पहला शिक्षा दिया उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को पास में झोली फैला। दूसरा कारण है इंद्र का अभिमान हो गया था। इंद्र सोच रहा था मैं स्वर्ग का देवता हूं और ये प्रजा लोग तो मेरे प्रजा हैं ब्रजवासी, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा, ब्रजवासियों का सत्यानाश हो जाएगा। कृष्ण सोच रहे हैं अभी ये इंद्र को पता नहीं मैं कौन हूं और ये ब्रजवासी है कौन, अभी ये इंद्र को पता ही नहीं, इसकी अभिमान को भी दूर करना पड़ेगा। बोले ब्रज का एक धूल में इतने शक्ति है कि तूने इंद्र चंद्र वायु वरुण को प्रकट कर सकता है, इतने शक्ति श्री ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति है। इसलिए इंद्र की अभिमान को प्रभु दूर करना चाहते थे। तीसरा कारण है कि ये ब्रजवासी कृष्ण की कायव्य है, राधा जी ही सब अनंत सखी रूप में प्रकट हुई और जितने सखा सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं, ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है। इसलिए अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनको साथ में मैं 7-7 दिन तक उत्सव मनाना चाहता हूँ। अरे भैया कैसे उत्सव मनाऊ, 7 दिन तक रहूं कैसे। सोचा इंद्र जब बारी बरसाएगा मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूंगा, सारे ब्रजवासी ये गिरिराज की तलहटी में आश्रय लेंगे। जिस राधा जी से गोपियों से मेरे मिलना बड़ा कठिन है, इनको साथ में मैं आसानी से रह जाऊंगा, आसानी से इनकी दर्शन हो जाएगी,
कदी ये तीसरा कारण है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कारण क्या है? अभी कृष्ण रास रचना चाहते हैं। भगवान की जितना लीला में रास लीला ठाकुर जी की सर्वश्रेष्ठ लीला है, लेकिन अकेले तो प्रभु रास कर ही नहीं सकते हैं ब्रज गोपियों के बगैर। उदाहरण दिया, जैसे एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करता है, उसको सामने वो कुछ बहादुर दिखाएगा, जिसे बहादुर देख करके वो हीरोइनी अपनी आप उसको प्रति आकर्षण हो जाता है। कहते ब्रज का हीरो कौन है? बोले बांके भैया कृष्ण। बोले हीरोइनी कौन? बोले ये गोपियां। इसलिए कृष्ण अभी ये गोपियों को आकर्षण करने के लिए, रास करने के लिए उन्होंने दो काम किया है, दो लीला की है। पहला लीला किया कि बोले उन्होंने काली अपने सर के ऊपर में ठाकुर जी नृत्य किया है। बोले तुम लोग बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर कोई नृत्य करता है, कोई सर पर कलसी रख कर नृत्य करता है, कोई तलवार के ऊपर नृत्य करता है, लेकिन क्या तुम लोग कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य करता है? मैं सांप के सर के ऊपर नाचने वाला हूँ। कालियों की 100 फण था, वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाहता था। कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कृष्ण नृत्य कर रहे थे, एक से दूसरे। ऐसे कृष्ण नृत्य कर रहे थे, इतने तेजी से अपना चरण को कृष्ण चला रहे थे, स्वर्ग के सारे देवता लोग वहां पर प्रकट हो गए, अपना वाद्य को साथ में कृष्ण वहां नृत्य कर रहे थे, देवता लोग बाजा बजा रहे थे। बोले क्या बजा रहे थे? बोले तांडव गति मंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 शंकर जी का एक नाम नटराज है, लेकिन आज बांके बिहारी का नृत्य को देख करके बोले भैया बम बम बलिहारी, बांके बिहारी की जय हो। बोले श्री कालिया नथन भगवान की जय। इसलिए कृष्ण जब कालिया के सर पर नृत्य की जितनी गोपियां थी ना, बोले भैया हमने तो बड़े बड़े बहादुर दिखाए हैं, लेकिन भैया सांप के सर के ऊपर नाचते हुए हमने किसी को नहीं देखा। अपनी आप जितने गोपियां सब के सब कृष्ण प्रति आकृष्ट हो गए। पहले ये एक लीला की। प्रभु ने दूसरे लीला क्या की? पहले श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रभु ने धारण किया है। बोले कितने उम्र था ठाकुर जी की आपको पता है? बोले तो कितना उम्र था ठाकुर जी की जब गिरिराज उठाया? 5 वर्ष। बोले हाथ उठा। 5 वर्ष। बोले जोर से बोलो। हम लोग किसको याद है?
प्रभु जी 7 साल में गिरिराज उठाए और गिरिराज गोवर्धन कितना बड़ा था, हीरो, 7 क्रोश की। और कितना दिन गिरिराज उठाए, बच्चों को आगे मत देखने, 7 दिन। देखो एक चीज अच्छे तरह से समझो, हम लोग है ना जिसको तिसको भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, इसलिए बोलते हैं भगवान की जो डेफिनेशन हमें नहीं जानते। हमने तो भागवत पढ़ाई नहीं, गीता पढ़ाई नहीं, रामायण पढ़ी नहीं, इसलिए थोड़ी सी कोई रिद्धि सिद्धि थोड़ी दिखा देना, बोले भैया ये भगवान ये भगवान, पर पीछे भागना शुरू कर देते। भैया भगवान भगवान कोई नहीं है, भगवान तो हमारे राम है, भगवान तो हमारे कन्हैया है कृष्ण। आप कौन कौन गिरिराज गए, हाथ उठाओ तो देखे है ना गिरिराज गोवर्धन को, देखे कि नहीं उन्होंने कौन सा हाथ में उठाए, बोले बाम हाथ से, बोले कौन सा अंगुली में, बोले कनिष्ठ अंगुली में, बोले उसको ऊपर में नख को ऊपर में, भगवान ने नख को ऊपर में कितने बड़े गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन उठाया। अभी हम जिनको भगवान कहते हैं, भगवान तो 7 क्रोश गिरिराज उठा लिया, एक 7 क्विंटल लेके पत्थर ला करके सर पर रख लो, देखना कितना बड़ा भगवान है। भगवान कालिया हृदय में कूदे, कालिया के सर पर प्रभु ने नृत्य की, कालिया हृदय का जो पानी वो उबलता था, ऊपर से कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते थे, आस पास में कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, लेकिन ठाकुर जी कालियों को सर के ऊपर नृत्य की और पानी में तैर रहे थे ठाकुर जी। कालियों का हैरान हो रहा था, इसको ऊपर कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, भैया इसे कौन बहादुरी जो पानी में तैर रहा है, हैं? इसलिए भगवान सब कुछ हजम कर सकते हैं। अभी जिसको भगवान कहते हैं कभी कभी उसको मुंह में थोड़ा बीस लेकर देकर देखो तो फिर पता चलेगा कितने बड़े भगवान हैं। भगवान ब्रज में 3 बार आग लगी, ठाकुर जी 3 बार अग्नि को ठाकुर ने पान किया है। अभी जिसको भगवान कहते हैं मुंह में थोड़ा आग लगा करके देखो, पुतना को जो मारे, पुतना कृष्ण कितना उम्र था, केवल 6 दिन उम्र में भगवान ने ये पुतना को मारे ठाकुर जी, है 1 महीना में सकटासुर को, 3 महीना में तृणावर्त, 4 महीना मास में बकासुर अघासुर को उन्होंने पछाड़ डाले भगवान ने। और प्रभु जब रास करते हैं ना, 100 करोड़ गोपियों को लेकर के एक कृष्ण एक गोपी सबके सब देख रहे थे, कृष्ण हमारी पास में, कृष्ण हमारी पास में। इसलिए अभी हमें भगवान कहते हैं किसे हमें पता नहीं, इसलिए जिसको तिसको हम भगवान 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 बोल करके पीछे भागने लग जाते हैं। कोई टीवी में कोई चीज थोड़ी सी आ गया ना, देख लिया बस, ये भगवान, भगवान किसको ये दे दिया, भगवान किसको ये दे दिया, भगवान नहीं भैया, भगवान कोई नहीं है, भगवान तो हमारे वाक्य बिहारी, इसलिए और किसी को पीछे मत भागा कर, ठीक है। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जो, बोले श्री कोई जयकार नहीं दे रहा, बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए भगवान ने ये गिरिराज को धारणा उन्होंने प्रभु ने किया है। जब गिरिराज की धारणा की, इंद्र देखा हर साल ये ब्रजवासी मेरी सेवा पूजा करते थे, लेकिन इस साल तो किसकी पूजा की कोई नाम करते तक भी नहीं, एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ये ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। बोले जो कुछ इंद्र के लिए बनाया था, रसमलाई लड्डी चमचम कड़ी चावल सबके सब लेकर के कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, उसने जाकर के इंद्र को बोल दिया। इंद्र तो तरह तरह से प्रभु गाली देने लग गया, बोले ब्रज का मैं सत्यानाश कर दूंगा। उसने संवर्तक मेघ अनचास पवन और उन्हें बुला करके बोले ब्रज में ऐसे प्रलय राव जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, मानो ब्रज में प्रलय आ गया, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आंधी तूफान वज्रपात आदि के सूर के जैसे कुशल घराते बारिश होने लगी। जितने ब्रजवासी थे सबके सब कृष्ण को पास में गए, बोले कृष्ण देख तेरे बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद करा दिया, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है। कृष्ण ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो, हम सबके सब श्री गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज अपना शरण में हमें स्थान देंगे, सबके सब सामान को लेकर के
गिरिराज की तलहटी पर जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा लेते हैं, ऐसे ही कृष्ण ने बाम हाथ की कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज की, नीचे आ जाओ सारे सामान को लेकर के। लेकिन ब्रज ब्रज तो एक दो गांव नहीं, वो तो 365 गांव, कितने सारे लोग कैसे आए नीचे। लेकिन जो ब्रज भूमि है वो चिन्मय अपराकृत और दिव्य है, इसलिए सबके सब गिरिराज की नीचे सबके सब आ गए। और जितने सखा लोग थे डंडा लेकर गिरिराज ने टेका दिया। बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज को धारण करोगे, थोड़ा नीचे हाथ कर लो। आपको बोले 5 मिनट हाथ रखो तो देखना, 5 मिनट अगर 10 मिनट बोलते 20 मिनट बोलते। लेकिन कृष्ण ने हाथ को कितने दिन तक, 7 दिन तक गिरिराज को उठने प्रभु ने उठा करके रखे थे। बोले कन्या कब तक तू गिरिराज उठाओगे, थोड़ा हाथ नीचे कर लो, हम गिरिराज को धारण कर लेते। बोले सखाओ तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या अकेला तू मैया का दूध भी, हमने मैया के दूध नहीं पी, हाथ नीचे कर दो हम गिरिराज को उठा लेंगे। इतने में कृष्ण जब हाथ को धीरे धीरे नीचे किया ना, गिरिराज धीरे धीरे नीचे उतरने लग गया। और जितने डंडा थे ना, डंडा सब टूटना शुरू किया, डंडा सब टूटना शुरू किया। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू गिरिराज उठा ले। और मैया जसोदा तो बारम्बार कन्हैया को मक्खन खिला रही थी, हाथ मालिश कर रही थी लाला के हाथ में, दर्द नहीं हो जाए। अभी 7 दिन इंद्र ने जी जान लगा दी। 7 दिन बाद में एक दूत को भेजा, भैया देख कर क्या क्या हो रहा है ब्रज में। वो दूत ऊपर ऊपर से देख कर गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उसने दूसरे को भेजा, भैया तू देख कर गया। वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, वो नीचे आया, फिर नीचे आकर के देखा धूल उड़ रहा है। वो ब्रज में विपत्ति किया, सबके सब कृष्ण के मुख चंद्र को दर्शन करते हुए वो तो आनंद ले रहे थे, होली मच रहा था। बोले आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, अरे आज ब्रज में होरी रे काना के हाथ कनक पिचकारी, काना के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ तमोरी रे रसिया, राधा के हाथ तमोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, अपने 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 घर सो निकले, हाँ कोई 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 तारी रे रसिया, कोई मोटी कोई पतली रे रसिया, I'm gonna go
सबके सब। जब वो वापस गया इंद्र ने पूछा भैया ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या। बोले जिसको तू तो बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुलों के ऊपर श्री गिरिराज गोवर्धन को ने उठा कर लगे। इंद्र ने ध्यान लगाया ये कौन है, ध्यान लगा करके देखा, बोले भैया ये तुम्हारे प्रभु है जिसने कृपा करके हमें ये इंद्र पद दिया है। लगता है मेरा इंद्र पद ही गया। वो अमरावती में इंद्राणी को साथ में विश्राम करने के लिए गया। इतना टेंशन आ गई वो सो नहीं सका। फिर अपना गुरु जी को पास में गई, बोले गुरु जी ऐसे हो गया, आप भी रक्षा कर सकते हो। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर, बोले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे के देवता है ना, सबको अभिमान को उन्होंने दूर किया। मैं भी बड़ी बुरे तरह से फंस गया था, किसी तरह से मैं भी बच गया। बोले आप भी फंस गए थे। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले एक दिन कृष्ण गोचारण करते हुए गए तो एक अघास और अजगर साथ बन कर जा रही है और वो मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, जैसे आकाश को उसको मुंह स्पर्श कर रहे हैं। छोटे छोटे सखा देख कर तो भागने लग गए। बोले भैया कोई सांप मुंह फाड़ कर बैठा हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े सखा लोग थे, बोले पागल हो गया, इतना बड़ा कहीं सांप हो सकता है। बोले फिर लगता है विश्वकर्मा ने कोई विचित्र उन्होंने कुछ गुफा बनाया। बोले चलो अंदर में चलते हैं। बोले अगर सांप हो तो, बोले चिंता क्यों करते हो, कृष्ण जैसे बकासुर को मारे अघासुर को भी मार डाले। ऐसे करते 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 उसकी अंदर में चले गए। अभी सांप का दो जीवा होता है और जीवा कितने गुदगुद होती है। बोले भैया लगता है कि जैसे कारपेट बिछा कर रखा अंदर। बोले हाँ बड़ा सुंदर है। और उसका दो जीवा, किसने कहा भैया इसमें दो रोड क्यों बने हुए। एक ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का, दूसरे अंदर से आने का है। वो श्वास को बंद करके बैठा हुआ था। जब उसने धीरे धीरे श्वास छोड़ा, गर्मी गर्मी हवा आने लग गई। बोले भैया अंदर से गर्मी हवा क्यों आ रही। बोले लगता है अंदर में कोई साधु संत भजन करते होंगे, वो आसन प्राणायाम करते हैं ना, एक साथ में श्वास को रोक करके फिर छोड़ते हैं। बोले इसलिए शायद गर्म लग रहा है। ऐसे करते करते अंदर में चले गए। कृष्ण सबसे पीछे था, अघासुर देख रहा था कृष्ण आ जाए फिर मुंह को बंद कर दूंगा। कृष्ण दूर से देखा, देख करके जोर से चिल्लाया, बोले सखाओ अंदर में मत जाया करो, ये अघासुर बैठा हुआ मुंह फाड़ करके। लेकिन सखा लोग तो ऑलरेडी अंदर में चली गए। कृष्ण देखा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, पहला काम तो सखाओं को बचाना, दूसरा काम उसको मारना, कैसे करूं। इतने में कृष्ण जब अंदर में जाते ही अपना कृष्ण अपना विराट रूप को उन्होंने प्रकाश किया, उसको मुंह मुंह में ठाकुर जी भर गए, गले में अटक गए, उसका श्वास ही बंद हो गया। मुंह क्या बंद करेगा, श्वास अगर बंद हो जाए ना बस राम नाम सत्य हो जाता है। इतने में उसका ब्रह्म तालु फट गई और वहीं पर उसने अपना प्राण को त्याग दिया। जब त्याग दिया, इतने में देवता लोग आकाश से देख रहे थे, हाहाकार कर रहे थे, ठाकुर भी अंदर में चले गए, अब भी क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने अघासुर को मार डाले, सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी ये जयकार धीरे धीरे ब्रह्म लोक तक तो पहुंचा। ब्रह्मा ने देखा भैया ये ब्रज में ये जय जयकार क्यों कर रहे हैं, उतर करके आया। आया तो देखा जब ये अघासुर को मारे, उसको अंदर से एक ज्योति निकली। वो ज्योति कृष्ण अंदर से जब आए उनको शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा बोले भैया ये बालक देखो, इतने छोटे से बालक, उम्र कितना 5 साल के, और इतने बड़े दैत्यों को मार डाला। फिर उसका ब्रह्म ज्योति फिर ये कृष्ण का अंदर में क्यों समाया, क्योंकि जो कृष्ण है वो ब्रह्म नहीं है, कृष्ण परम ब्रह्म है। कृष्ण ये परम ब्रह्म कृष्ण है। अब इसको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। ब्रह्मा जी सोचा थोड़ी सी और आगे के लीला में देखूं। कृष्ण सखाओं के साथ में यमुना किनारा में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को चोरी कर लिया और गुफा में बंद कर दिया। सखाओं ने देखे भैया हमारे बछड़े ही चल रहे थे, गए का
भागने लगे। कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, मैं देखता हूं। जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए, ब्रह्मा इनको भी लेकर के बंद कर दिया। इतने में जोग माया ने कृष्ण को स्फूर्ति कराया, बोले प्रभु ये ब्रह्मा आपकी महिमा को नहीं पहचान पाया, इसलिए वो आगे लीला देखना चाहते हैं। ये ब्रह्मा जी ने सारे काम किया। इतने में कृष्ण ने अपना शरीर से जैसे बछड़े, जैसे सखाएं, जैसे उनकी बोली, जैसे रंग, जैसे चलना, जैसे बोलना, जैसे रंग, कृष्ण ठीक वैसे अपना शरीर से भगवान प्रकाशित किया और खुद को साथ में प्रभु लीला कर रहे थे। इतने में जो ब्रह्मा था वो ब्रह्मलोक में गया। वो पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर पहले चले गए। और उसका जो दरबार था ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, मेरे जैसे कोई आए था अंदर में घुसने मत देना। कृष्ण ही ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी गए, उनका जो नौकर लोग थे ना, दंड लेकर के ब्रह्मा जी को मारने दो। बोले तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो सही बता रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये क्या हुआ, मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे, फिर मेरे गद्दी पर बैठा कौन। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा ना, भगवान कृष्ण ही वहां पर स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठे हुए। फिर तो ब्रह्मा वहां से उतरे, उतरते उतरते हो गया, गए और आए, हो गया इस मरते जगत में 1 साल। ब्रह्मा जी देखा 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, प्रभु अभी भी वैसे ठाकुर जी लीला कर रहे। फिर ब्रह्मा चकरा गए, क्या कृष्ण गुफा से उनको ले आए। फिर गया देखा, बोले नहीं जैसे को वैसे। फिर इधर देखा वैसे को वैसे, एक साथ में इधर दो सर इधर दो सर करके जब देखा, भगवान दिखाया, देखो ये बछड़े सखा कौन है। देखा सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी एक नारायण की नाभि कमल से इनके जन्म, यह अनंत करोड़ नारायण देखे। ब्रह्मा जी समझ गए कृष्ण कौन है, मेरे बाप की बाप की बाप की ये बाप है। फिर ब्रह्मा जी सीधा हंस वाहन से कूद पड़े, ठाकुर जी की चरण में साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत करते हुए उन्होंने भगवान को स्तुति कर रहे हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। देखो ध्यान देखो सुनो, ये पितामह ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एरे गेरे व्यक्ति नहीं कह रहे हैं। ये चीज को अच्छा तरह से दिमाग लगा कर समझो, ये कृष्ण कौन है और कृष्ण भक्ति करने से क्या होता है। कभी कभी हम इधर उधर भागते रहते ना, आज उसको पास में, कल उसको पास में, कभी उसको पास में, काम नहीं बना तो नहीं, वहां पर और कोई देवी नई देवी प्रकट हो गई, ये काम नहीं बना तो वहां पर कोई और कोई बाबा आ गया। हाँ देखो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कृष्ण कौन है, बोले ईश्वर परम कृष्ण, ये ईश्वर है। बोले ईश्वर का मतलब क्या है, बोले ईश्वर का डेफिनेशन शास्त्र में बताया, अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जा सकते, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते वो ईश्वर है, जो रात को दिन और दिन को जो रात कर सकते हैं। भगवान कभी दिन को रात बनाया कि नहीं, बताओ तो भगवान कब दिन को रात बनाया था, कौन बोलेगा हाथ उठा, भगवान कब दिन को रात बना दिया था। महाभारत में ना कहां पर, बोलो कहां पर, हाँ बाबा ने सही बताया, जिस समय अभिमन्यु की वध हो गई, जब अर्जुन को पता चला, में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना की, लेकिन दिन भर अर्जुन युद्ध करते करते उन्होंने ऐसे चक्रव्यूह रचना की जैसे दिन भर में पहुंच नहीं सकते, अभी शाम होते जा रहे हैं। इतने में कृष्ण देखा अर्जुन तो पहुंच नहीं सकता है, बस उन्होंने सुदर्शन चक्र का आदेश दिया, जाओ सूर्य को ढक दो, दिन में होगी रात, दिन में रात हो गई। इतने में जयद्रथ हा करते करते सामने आ गया, अर्जुन अभी अग्नि में आहुति देगा। इतने में कृष्ण फिर चक्र को हटा लिया, फिर दिन हो गया, बोले सामने शत्रु मारो उसको। इसलिए भगवान रात को प्रभु जी दिन और दिन को जो रात कर सकते हैं, और मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, जो भगवान मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। कृष्ण ने 3 बार ये लीला दिखाया, कब कब दिखाया,
हाँ एक बार उन्होंने बाबा जी बड़े पंडित है, इसलिए जिस समय उन्होंने गुरु गृह में पढ़ने के लिए गए, अभी उन्होंने 64 दिन में, देखो ये भगवान किसे कहते हैं, 64 दिन में उन्होंने 64 कला को अध्ययन नहीं किया। लेकिन ये दुनिया में देखना, जिसे कोई सीए पढ़ रहा है, जिंदगी भर सीए करते करते उसको फिनिश नहीं कर पाता है, कोई डॉक्टर भी करता है जिंदगी भर नहीं कर सकता है, कोई एक विद्या को पढ़ो ना जिंदगी भर पढ़ते रहो उसको समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण ने 64 दिन में जितने आर्ट है ना दुनिया में, जितने आर्ट वो 64 तरह का है, भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या को पूरी की पूरा कंप्लीट कर दी। गुरु जी समझ गए, बोले हे भगवान ये जितना एक सूत्र देता हूँ दूसरे दिन इतनी इतनी बोलता, मेरे को भी पता नहीं, ये भगवान की बगैर और किसके अंदर में संभव नहीं। एक एक बच्चा जिंदगी भर आकर के रहते हैं, एक विद्या को वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, 64 दिन में 64 विद्या को, भैया लगता है ये भगवान। उन्होंने अपना पत्नी से परामर्श की, बोले देखो ये जो कृष्ण बलराम आए ना, लगता है ये भगवान है, इनकी क्रिया इनके स्वभाव इनकी जो मेंटालिटी साधारण है। देखो हम एक बात से परीक्षा कर लेंगे। बोले कैसे? बोले जब वो वापस जाएंगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो विद्या पूरी नहीं होता है। जब गुरु दक्षिणा मांगे ना, हम परीक्षा कर लेंगे। बोले क्या परीक्षा करेंगे? बोले जो भगवान है वो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है। हमारा बेटा बचपन में मर गया, हम उसको गुरु दक्षिणा रूप में मांगेंगे। जब मांगे भगवान महाकालपुर में गए और समुद्र को पंद्रह में उन्होंने देखा, शंखाचूड़ को मारा वहां पर, और पांच जन ने शंख ग्रहण किया। भैर ठाकुर जी जब महाराज गोपुरी में गए और वहां पर जब शंख बजाए ना, जो काल सारा दुनिया काल को डरते, काल कांपते 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 आ गए, लगता है मेरी नंबर आ गई। बोले क्यों? बोले कृष्णा अवतार में सारे देवता के अहंकार को जिसने चकनाचूर बांध के बिहारी किया, लगता है मेरी नंबर आ गई। वो कांपते कांपते काल आए, बोले प्रभु आपको क्या सेवा करें? बोले मेरे गुरु पुत्र को ला दो। जिंदा जिंदा उन्होंने गुरु पुत्र को ला ले आए। कहां से लाए? संजीवनी पुर से, वहीं से लेकर के आए। जब देवकी को ये बात पता चली गई, इतने में देवकी ने बोले बेटा मैंने सुना है तुमने मरे हुए बेटे को तुमने वापस लाया। बोले हाँ। बोले मेरे छह बेटे को कंस भी मार डाला है, मेरे देखने की बड़ी इच्छा करता है, ले आओगे? बोले क्यों नहीं, छह बेटे जो मर गए थे फिर छह बेटे को उन्होंने वापस लिया, मरा हुआ बेटे को उन्होंने फिर वापस लाया। फिर जब द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसका बच्चा जन्म होते ही शरीर छोड़ देता था। एक दिन कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वहां पर अर्जुन भी था, बेटा शरीर छोड़ते ही वो ब्राह्मण मरा हुआ बेटे को लेकर कृष्ण के सामने फेंक दिए। बोले कृष्ण ये देश में राजा का अधर्म से प्रजा को दुख भोगना पड़ता, लगता है तो अधर्मी राजा, इसलिए एक नियम है द्वापर युग में नियम था, जब तक इसकी परमायु कंप्लीट नहीं हो उसको पहले कोई नहीं मरते थे। मेरे बच्चा क्यों मरता है? तेरे वजह से, तेरे पाप की वजह से। वहां पर अर्जुन भी बैठा हुआ था, अभी सखा की है दोस्त को देख के सह नहीं सका। बोले ब्राह्मण चिंता मत करो, इस बार तेरे बेटे को मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा तू क्या रक्षा करोगे? जब सख्यात भगवान यहाँ बैठे हुए, सख्यात बलदेव प्रभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे, वो स्वयं रक्षा नहीं कर पाए तो हीड़े क्या रक्षा करोगे? इतने में अर्जुन को तो ताव आ गया। बोले अगर मैं तेरे बच्चे को रक्षा नहीं कर पाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये मेरे पास में गांडी भी है, मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम नहीं, मैं अर्जुन हूं, अगर बेटे को रक्षा नहीं कर पाया ना, जिंदा जिंदा आग में छलांग लगा दूंगा। बोले ठीक है। बोले एक काम करना, जब तुम्हारी पत्नी प्रसव का समय होगा मेरे को थोड़ा याद करना। बोले कोई बात नहीं। अभी प्रसव का समय आया तो दौड़ दौड़ कर गया। बोले अर्जुन जल्दी जल्दी आ, अभी बच्चा जन्म होने वाले। अर्जुन गया और अपना गांडी भी लेकर के ऐसे बाण मारे, सुतिका गृह को पूरा बंद कर दिया, जैसे हवा तक भी अंदर से नहीं जा सकी, और गांडी भी लेकर वहीं पर खड़े हो गए। हर साल तो बच्चा जन्म लेता था, रोता था, केवल मरा हुआ शरीर रहता था, लेकिन इस बार बच्चा जन्म हुआ और जन्म होते ही रोया और शरीर समेत गाय। इतने में अर्जुन ने वहां पर बैठ गया ध्यान लगा करके, वो गया कहां? ध्यान लगा करके विश्व ब्रह्मांड को उसने टटोर लिया, लेकिन कहीं उसकी पता नहीं मिला
वो ब्राह्मण तो गाली के ऊपर गाली दे रहा था अर्जुन को। अर्जुन जब अग्नि में छलांग लगाने जा रहा था, इतने में कृष्ण आए, बोले चलो मेरे साथ में। उनको लेकर के उन्हें नारायण के पास में गए। जब नारायण के पास में गए, नारायण ने कहा प्रभु आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, आपको देखने के लिए मैंने ये बच्चों को चोरी किया है, लो ये सारे बच्चे को आप वापस लेकर के जाओ। फिर वहां से भगवान वहां से फिर मरे हुए बच्चे को लाए। देखो ईश्वर कहते हैं उससे जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, दिन को रात, रात को जो दीन कर सकते उससे भगवान कहते हैं। जिसको जिसको भगवान नहीं कहते जिसका नौकर दे दिया वो भगवान हो गए। कोई नौकर देने से भगवान, मोदी तो कितने को नौकर दे रहा है, कितने की नौकर, वो भगवान है भैया। जिसको जिसको पीछे भगवान बोलकर भागवत, भगवान तो केवल हमारी कन्हैया बांके बिहारी भगवान और हमारे राम भगवान, और कोई भगवान भगवान नहीं। घर में और किसकी तस्वीर मत रखा करो, रखो तो श्री बांके बिहारी की पूजा करो, वही भगवान है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री लाल। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कृष्ण कौन है, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सारे कारणों का जो मूल कारण है ये भगवान श्री बांकेहारी। तब ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, बोले हे प्रभु जो ज्ञान का मार्ग में जाते हैं बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन तुम्हारी चरणों को अनादर करने का नाते उनको वहां पतन होता है। लेकिन जो तुम्हारी चरणों को आश्रय लेते हैं, जो तुम्हारी चरणों को आश्रय लेते हैं कभी उनकी पतन कभी नहीं होता है, कभी उनकी पतन नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु आप इतने दयालु। देखो कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण चार चीज का नाम लिया है। अगर मेरे को भक्ति पूर्वक कोई चार चीज में कोई एक चीज देते खुश हो जाता। देखो ध्यान देकर सुनो, उनने चार चीज का क्या नाम लिया, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रजच्छति। बोले चार चीज क्या है, बोले एक पत्ता है, एक फूल है, एक पानी है और एक फल है। अगर ये चार चीज में कोई एक चीज अगर मेरे को भक्ति से दे देते हैं उसी में खुश हो जाता। और जो चार चीज का नाम लिया है जो बिना पैसा में मिलता है, जैसे पत्ता, पत्ता है, पत्ता किसने खिलाया, बोले श्री विदुर। कहते ना दुर्जन की मेवा त्यागे साग विदुर भरे का, वाह कृष्ण उसमें ही संतुष्ट हो गए। लेकिन दुर्योधन ने भगवान के लिए छापन भोग छत्र से व्यंजन बना कर रखे थे, लेकिन ठाकुर उसको त्याग दे। पत्रम बोले पुष्पम, फल किसने दिया, बोले भागवत में कथा थी गजराज, जिस समय हाथी पानी में स्नान के लिए गया था, परिवार को साथ में स्नान कर रहा था, इतने में एक मगरमच्छ प्यार को पकड़ लिया, दोनों में घमासान युद्ध हुई, लेकिन उसको स्त्री पुत्र परिवार सब थे, लेकिन उसको विपत्ति देख कर ना एक एक सब पीछे हटने लगे, एक एक सबके सब पीछे हटने लगे। सिख्या देते हैं बोले भैया जगत संपत्ति में बड़े मदद करते हैं, लेकिन जब विपत्ति आए ना सबके सब साथ छोड़ देते हैं, सबके सब साथ छोड़ देते हैं। कहते ना आप कैसे हो, बोले जब तक तुम्हारी जेब में पैसा हो, पैसा गए आप कैसे नहीं, तुम है कौन, तुम कौन हो। दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया ये है। देखा एक एक कर जो पत्नी बीवी बच्चे एक एक कर से भागे वहां से, इतने में मगरमच्छ धीरे धीरे उसको पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहा था। उसने सोचा ठाकुर को क्या दूं, वहां पर एक कमल फूल था, उसने केवल ठाकुर जी का एक कमल फूल चढ़ा दिया। कहते भगवान को जीवन में दो बार जल्दी मची है, एक द्रौपदी की वस्त्र हरण में और दूसरे गज को उधार करने में। ना रा बोले, इतने में चक्र आया, उन्होंने मगरमच्छ को काट डाला। केवल एक फूल में ठाकुर जी संतुष्ट हो गए, बोले पत्रम पुष्पम फलम, फल किसके, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। इसलिए भगवान
किसकी फाल से संतुष्ट होंगे? भगवान ने सबर की,